पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लघु उद्योग व्यापार मंडल की ओर से कमेटी का विस्तार कार्यक्रम किया गया। आयोजित कार्यक्रम एक रेस्टोरेंट में हुआ। लघु उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की कमेटी का विस्तार करते हुए राजेंद्र कुमार टंडन को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं गिरधर गोपाल प्रदेश महासचिव और विनोद वासने को प्रदेश संगठन मंत्री का पदभार सौंपा गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष अरुण गोयल के द्वारा ग्रहण कराया गया और सभी का स्वागत फूल मालाएं पहनाकर किया गया। इस अवसर पर लघु उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण गोयल ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारियों के संगठन में शामिल होने के बाद संगठन को मजबूती मिलेगी और सभी पदाधिकारी संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। तो वहीं प्रदेश महासचिव बने गिरधर गोपाल ने बोलते हुए कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ निभाएंगे। तो वहीं नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार टंडन ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान कराना और व्यापारियों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुँचाना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन के किसी भी पदाधिकारी या व्यापारी को जब भी उनकी आवश्यकता होगी हर कदम हर समय अपना सहयोग देने के लिए तैयार है। राजेंद्र कुमार टंडन ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपनी आगामी रणनीति को भी सभी के सामने रखा और कहा कि सभी को मिलजुल कर एक साथ कार्य करना होगा, तभी संगठन को मजबूती मिलेगी। प्रदेश संगठन मंत्री बनाए गए विनोद वासने ने भी सभी का आभार जताते हुए लघु उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष का आभार जताया और कहा कि संगठन के साथ मिलकर वो काम करेंगे। बड़े हर्ष का विषय है कि आज लघु उद्योग व्यापार मंडल पंजीकृत उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कमेटी का विस्तार करते हुए हमने अपने साथी कर्मठ जुझारू साथी को निम्न पदों पर मनोनीत किया है, जिसमें सर्वप्रथम राजेंद्र टंडन जी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश महासचिव के पद पर श्री गिरधर गोपाल जी को, संगठन मंत्री के पद पर विनोद वासने जी को और महिला टीम के लिए रोहिणी भाटिया जी को महिला टीम का अध्यक्ष बनाया प्रदेश का। क्या उम्मीदें हैं नई टीम से? हमें बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि ये पुराने साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं की क्षमता को देखते हुए हमने व्यापारी हित में इन साथियों को ये पद देकर नवाजा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।